तो गाइज़ ये मेरा दूसरा ट्रेड है। पहला ट्रेड मैंने लॉस बुक किया था मॉर्निंग में, तो वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। फिर मैंने काफ़ी टाइम वेट किया और फ्राइडे का दिन थोड़ा काम भी रहता है, तो काफ़ी काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं आके फिर से बैठा था, तो देखा मार्केट बहुत ही अच्छा है, प्राइस एक्शन बना के नीचे के साइड आ रहा है। काफ़ी टाइम बायर्स कोशिश किया बट बायर्स को मार्केट ने निकाल ली। तो अब मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अगर गिरता रहेगा तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी यहाँ से गिरता ही चला जाएगा, तो यहाँ से एक हमें अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। तो ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक पोजीशन बना लिया है और प्रॉफिट चल रहा है, 700 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का अच्छा मोमेंटम देगा, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। मार्केट सेलर को काफ़ी मौका दिया है पैसा बनाने का, बायर्स को दिया नहीं है, तो अभी लग रहा है मुझे यहाँ पे अभी बायर्स का टाइम है। जो तो कैंडल बना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करना चाहिए था। ज़्यादा जितना होल्ड करेगा वैसे में क्या होगा, बायर्स बाई करना शुरू कर देगा तो फिर मार्केट नीचे के साइड आ जाएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे इस लेवल को जैसे क्रॉस करता है। प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अभी हमारा टारगेट मिल चुका है हमें 1232 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। मेरा दूसरा ट्रेड था, वैसे मैं दो तीन ट्रेड करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ, मेरा दिन का एक ही ट्रेड होता है। बट आज कल एक भाई ने कमेंट किया था कि दो ट्रेड कीजिए बेनिफिट होता है, सही में बेनिफिट तो होता है, लेकिन देखिए गाइस अच्छा मोमेंटम आया, हमने एग्जिट किया और कितना अच्छा मोमेंटम आया। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ठीक है, ओवरऑल हमने आज का फ्राइडे का दिन है, प्रॉफिट मतलब ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, तो फिर से मंडे मिलते हैं।